स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल आदि रोहित हम में। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को टीवी बनाना सिखाने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आखिर इस वीडियो में मैंने टीवी कैसे बनाया तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप जानना चाहते हैं असलियत में एक्चुअल में कैसे वर्क करता है तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो लास्ट तक देखिए, लास्ट में मैं बताता हूँ आपको। तो पहले तो अपने टीवी बनाने के लिए अपना फ्रेम बनाना होगा, तो कुछ इस तरह से अपना आयरन ब्लॉक का हम लोग कुछ इस तरह फ्रेम बनाएंगे। आप चाहे जितना बड़ा अनुसार अपने इच्छा के अनुसार बना सकते हैं, चाहे जितना बड़ा आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये असलियत में वर्क कैसे करता है अगर जानना है तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा, वरना आप नहीं जान पाएंगे। मैंने लास्ट में बता रखा है कि असल में ये वीडियो कैसे वर्क करता है, ये टीवी कैसे वर्क करता है। तो अब इस वीडियो की बात करते हैं, तो ये पहले इसमें कनेक्शन करने के लिए पहले तो मेरे को दीवार में छेद कर उस पार जाना होगा एकदम एग्जैक्टली। पीछे तो मैंने सुरंग खोद रखी है, तो ये अपना सुरंग खोद लिया है मैंने, तो इस सुरंग की तरफ जाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा गैप भी कर लिया था पहले ही ताकि ज़्यादा समय ना लगे। तो यहाँ के ऊपर थोड़ा ऊँचाई पर है, मैंने अंदाज़ा लगा रखा है अपना जो टीवी है, तो इसी के टीवी के बीच पे एकदम हमें फोड़ना है। तो ये शायद जो आयरन का ब्लॉक था वही था, तो इसके ऊपर थोड़ा फोड़ लिए हैं, अपना जो ये ब्लॉक था उसे थोड़ा निकाल लिए हैं। अब इस ब्लॉक को लगा कर देखते हैं, अब यहाँ पे भी ब्लॉक लगा कर बराबर कर देते हैं। तो ये अपना कुछ ठीक रहा है, तो ये बाहर का नज़ारा है। अब इसको जो ये 4G का जो ये ब्लॉक लगा हुआ है दीवार के अंदर का, इस सब को गायब कर देना है, इसे गायब कर देंगे। तो भाई इस वीडियो को अगर सच में देखना है, अगर जानना है टीवी सीखना है तो पूरा वीडियो देखिएगा, वरना हम नहीं जान पाएंगे। और लास्ट में मैंने बता रखा है असल में कैसे वर्क करता है। तो मैंने ये फ्रेम कम्प्लीट कर लिया, आप देख लीजिए ऐसे बना लीजिएगा। तो ये एक्स्ट्रा ब्लॉक लगा हुआ है, इसे तोड़ देते हैं। तो ये अपना बन चुका है यहाँ पर, तो अब इस पर कनेक्शन करने की बारी यही है। तो यहाँ पे नॉट ब्लॉक रख देते हैं, और यहाँ पे एक बेकन रखेंगे ताकि इसमें लाइट जो अपना किरण बन सके वो, और यहाँ पे अपना हम बाजने के लिए स्पीकर टाइप का कुछ रखे हैं, और इसमें मैंने कैसेट भी लगा दिया है तो जिससे साउंड प्रोड्यूस होगा अपने टीवी में, और कुछ इमेजेस के लिए रंगीन के लिए पेंटिंग लगा दी है। तो ये पेंटिंग लगाना ज़रूरी है, वरना इमेज नहीं क्रिएट कर पाएगा। अब ग्लास लगा देते हैं, तो मैंने हाफ ग्लास लगा दिया है, थोड़ा सा और बाकी है। तो ये अपना पूरा ग्लास लगने वाला है, तो ये मैंने ग्लास से भी कवर कर दिया है, तो अपना टीवी ग्लास से भी कवर हो चुका है। तो ये इतना कंप्लीट हो चुका है, अब आगे का काम करते हैं शुरू। तो अंदर चलते हैं, पहले तो कनेक्शन करनी है। तो मैंने कुछ रेड ब्लॉक और ये रेड स्टोन डस्ट से और ये रिपीटर से मैंने इस तरह कनेक्शन कर दिया है, तो इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से आप कनेक्शन को बाहर हमें ले जाना है, पूरा एकदम सुरंग टाइप का मैंने बना रखा है। और यहाँ पे बीच बीच में रेड स्टोन रिपीटर तो यहाँ पे ले आए हैं कनेक्शन। अब यहाँ पे हमें बनाना है बेकन, तो इस बेकन को पहले रख लेते हैं। 5x5 रहेगा ये, चारों तरफ 5 ब्लॉक का हम रख देंगे, नीचे का बेस आप चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं। ये मेन है ये कनेक्शन, यानी सिग्नल पाने के लिए, तो इसे सिग्नल पाने के लिए ही बनाएंगे, ताकि ये बेकन बनाएंगे जिससे हमें सिग्नल मिल सके। तो ये जो बेकन रहेगा एक सिग्नल का काम करेगा। तो भाई लोग नीचे का बेस लगभग रेडी हो चुका है, अब इसके ऊपर का बेस बनाएंगे। ये एक ब्लॉक छोड़कर कुछ इस तरह से आप बना लीजिएगा। तो ये दूसरा बन चुका है हमारा पूरा बेकन। तो इसके ऊपर अब हमें रखने की बारी आ चुकी है अपना असलियत में बेकन, तो ये अपना एक्टिवेट हो चुका है। तो ये कनेक्शन अब कलेक्ट करेगा, और फिर जो ये रेड स्टोन डस्ट बिछा है इसके जरिए अपने टीवी तक पहुंचाएगा। तो अब इसे स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा और इसमें म्यूजिक नहीं आएगा, साउंड नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम साउंड प्रोड्यूस करने के लिए नहीं लगाएंगे स्पीकर तो अपना साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा टीवी।
तो इसके लिए हमें कुछ फोर का कुछ ज़्यादा खास नहीं करना पड़ेगा। तो पहले बाहर हम दीवार के उस पार छेद कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने छेद कर लिया है। अब इसे यहाँ पे रेड स्टोन डस्ट थोड़ा बिछाना पड़ेगा, तो रेड स्टोन डस्ट को भी बिछा देते हैं। तो ये अपना रेड स्टोन डस्ट बिछ चुका है, कनेक्ट हो चुका है। अब अपना स्पीकर लगाने की बारी आ चुकी है, तो मैं बाहर आ चुका हूँ और मैंने स्पीकर भी लगा दिया है। स्पीकर नॉट ब्लॉक का रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने नॉट ब्लॉक और उसका एक और रहता है जिसको मैंने स्टार्टिंग में लगाया था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो अब इसे स्टार्ट करके बारी आ चुकी है। तो ये अपनी टीवी चालू हो चुकी है, मोटो पल्लो का वीडियो चल रहा है अपनी टीवी पे, कितना मस्त लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है अपना टीवी भी। तो आप ऐसा अगर बनाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, वरना आप नहीं जान पाएंगे। मैं लास्ट के सीन्स में बताऊंगा कि आखिर में कैसे एक्चुअल में वर्क किया है, ये सच में ऐसा है कुछ एक्चुअल में वर्क किया है या इसके पीछे कोई ट्रिक है। तो अब समय आ चुका है इसके पीछे का जो साइंस है इसे बताने का आप सभी को। तो भाई लोग बताते हैं आप सभी को इसके पीछे का साइंस। तो मैंने पहले कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी हाउ टू मेक टीवी। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियो देख रहा था लोगों की जो टीवी के ऊपर बना रहे थे, लेकिन टीवी पेंडिंग लगा के छोड़ देते थे। तो मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं, तो मैंने वर्चुअली इसमें कुछ टीवी टाइप का असलियत में चलाया जो सब लोगों का दिमाग घूम गया है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना रखी है, और कि आप कैसे एक्चुअल में वर्क करता है ये जो टीवी है, असलियत में कैसे वर्क करता है, तो मैंने इस पर पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आप अपने दोस्तों को ये ट्रिक सिखाना चाहते हैं कि आप लोकी क्राफ्ट में असलियत में एक्चुअल में कैसे टीवी बना सकते हैं, तो इसके पीछे का जो साइंस है, अगर आप इस साइंस को सीखना चाहते हैं, तो मैंने इस वीडियो का लिंक जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।